अस्सलाम वालेकुम, आई एम आरिया ताहिर। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द पीरियड, दैट इज़ अबाउट द स्पाइना बाइफिडा। नाउ व्हाट इज स्पाइना बाइफिडा? स्पाइना बाइफिडा इज़ द फेलियर ऑफ द न्यूरल लेशन। इट इज़ द प्राइमरी फेलियर ऑफ द न्यूरल लेशन, जिसमें जो न्यूरल ट्यूब है बीबी की, वो फेल्स टू क्लोज, वो बंद नहीं हो पाती। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, अगर मदर में होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा हो, मदर में फोलिक एसिड की कमी हो, प्रेगनेंसी के अर्ली 28 डेज़ में हाइपरथर्मिया हो जाए, जिंक मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मेलिटीज़ हो मदर के अंदर, मैटरनल ओबेसिटी, मैटरनल डायबिटीज़, वेलप्रोइक एसिड। वेलप्रोइक एसिड मोस्टली जो है सीजर्स, एपिलिप्सी वगैरह के लिए ली जाती है। अगर मदर ये यूज़ कर रही है तो उसमें स्पाइना बाइफिडा के चांसेज हैं। ट्राइसोमी 21, जिसको डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, एंड द ट्राइसोमी 13, जिसको पॉटो सिंड्रोम भी कहते हैं, उसमें भी स्पाइना बाइफिडा के चांसेस होते हैं। अब अगर हमने प्री टर्म बेबी का टेस्ट करवाना है कि स्पाइना बाइफिडा प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं? वो दो टेस्ट हैं, क्वाड स्क्रीन टेस्ट एंड द हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड। क्वाड स्क्रीन टेस्ट हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाना होता है, और इसमें हम AFP अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का लेवल चेक करते हैं। अगर अल्फ़ा फीटोप्रोटीन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बेबी में NTD न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रेजेंट है। हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड जब हम करते हैं तो उसमें अगर बेबी को स्पाइना बाइफिडा प्रेजेंट हो तो उसमें लेमन एंड द बनाना साइंस आना शुरू हो जाते हैं। लेमन एंड द बनाना साइन रिप्रेजेंट करते हैं हेड एंड द स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ को। नेक्स्ट वी मूव टू द टाइप्स ऑफ द स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा हमारे पास दो टाइप्स का होता है, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका एंड स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। पहले हम ओकल्टा की बात कर लेते हैं। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर बोनी डिफेक्ट तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके अंदर मेनिंजिस की हर्निएशन नहीं होती। इसमें ना हाइड्रोसेफलस होता है, ना कोई न्यूरोनल प्रॉब्लम होती है। इसमें अडल्ट में कभी कभी बोवल एंड द ब्लैडर सिम्टम जाहिर हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें कोई मसला पेशेंट्स को अपेरेंटली नहीं होता। ये हमें कैसे पता चलता है कि स्पाइन पे किसी एक पॉइंट पे या तो हेयरी पैच होता है या डिम्पल प्रेजेंट होते हैं, ये सीरियस नहीं होता। सीवियर जो केस है वो है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका का। सिस्टिका के अंदर क्या होता है कि बोनी डिफेक्ट तो है ही है, उसके साथ हर्निएशन होती है मेनिंजिस की। ठीक है, अब मेनिंजिस की जो हर्निएशन है उसको हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेनिंजियोसील एंड द मेनिंजियोमाइलोसील। मेनिंजियोसील में जस्ट मेनिंजिस की हर्निएशन होती है, न्यूरल टिश्यू की हर्निएशन नहीं होती। मेनिंजियोसील में मेनिंजियोमाइलोसील में मेनिंजिस की भी हर्निएशन है, न्यूरल ट्यूब की भी हर्निएशन है। ये 10% प्रेवलेंट में होते हैं, ये ज़्यादा कॉमन है 75% प्रेवलेंस में। इसमें हाइड्रोसेफलस नहीं होता, मेनिंजियोमाइलोसील में हाइड्रोसेफलस प्रेजेंट होता है। इसमें बोवल, ब्लैडर, न्यूरोनल साइन प्रेजेंट नहीं होते हैं। मेनिंजियोमाइलोसील में बोवल, ब्लैडर एंड द न्यूरोनल साइंस प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्पाइना बाइफिडा के लेवल की। स्पाइना बाइफिडा के लेवल्स को हमने दो तरह से डिवाइड किया है, एक एनाटॉमिक लेवल, एक फिजियोलॉजिकल लेवल। एनाटॉमिक लेवल वो लेवल होगा जहाँ पे जो स्पाइना बाइफिडा है वो अपेरेंटली कहाँ प्रेजेंट है, स्पाइन में किस साइड पे प्रेजेंट है, अपर थॉरिक्स पे है, अपर लंबर पे है, या सैक्रम में है, कहाँ पर है। फिजियोलॉजिकल लेवल से मुराद वो पार्ट है बॉडी का जो अफेक्ट हो रहा है उस स्पाइना बाइफिडा या उस सिस्ट की वजह से। इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्जन थी, तो वो हर ने अपने अपने तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ था, एक एक लेवल की बहुत ज़्यादा डिटेल थी। तो इसको जो है मैंने जनरल इस तरह से करके लिखा है, जनरल पॉइंट्स मैंने सारे कंपाइल कर लिए हैं कि T6 से L6 तक के लेवल पे जहाँ कहीं पे भी सिस्ट होगी या जहाँ कहीं पे भी हर्निएशन होगी, वहाँ पे पेशेंट्स कहाँ क्या कैसे कैसे प्रेजेंट करेगा। उसमें स्कॉलियोसिस होगी, लोडोसिस होगी, हिप की डिसलोकेशंस होंगी, नी कॉन्ट्रैक्चर, क्लब फुट डिफॉर्मिटी, बोवल एंड द ब्लैडर साइंस प्रेजेंट होंगे। और अगर सैक्रम में कहीं पर डिफॉर्मिटी आएगी या सैक्रम में कहीं पर सिस्ट प्रेजेंट होगी, तो उसमें पेशेंट कैवस फुट के साथ बोवल एंड द ब्लैडर डिसफंक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स जो स्पाइना बाइफिडा के साथ प्रेजेंट होते हैं उसमें क्या क्या आएगा, हाइड्रोसेफलस है, सेंसरी डेफिसिट होता है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, गेट एबनॉर्मेलिटीज, सन डाउनिंग साइन एंड द कॉन्स्टिपेशन। सन डाउनिंग साइन में क्या होता है कि जो पेशेंट हाइड्रोसेफलस के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं उनकी आई बॉल इस तरह से हो जाती हैं जैसे ना कि सन डाउन हो रहा होता है, इसलिए उसको सन डाउनिंग साइन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि स्पाइना बाइफिडा का हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। स्पाइना बाइफिडा के ट्रीटमेंट में हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करते हैं। उसमें न्यूरोसर्जन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्थोपेडिक भी, मेडिसिन भी देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी, न्यूट्रिशनिस्ट भी एंड द नर्सेज भी। ये एक बहुत वास्ट फील्ड है स्पाइना बाइफिडा की जो मैनेजमेंट होती है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को साथ लेके चलना होता है और पेशेंट मोस्टली सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर रहा होता है।
तो इसलिए हमने पेशेंट को जो सिम्टम ज़्यादा प्रिवेल कर रही होती हैं उसी को ट्रीट करना होता है। तो इसलिए इसके हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं होता। उसके बाद आ जाती है इसकी बात UHS के क्वेश्चंस की, कि यूनिवर्सिटी में इसके कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसमें था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्पाइना बायफिडा एंड द स्पाइना बायफिडा सिस्टिका एंड द ओकल्टा, तो अभी हमने बात की थी। उसके बाद था एक सिनेरियो, ये डायग्नोस करना था और इसकी लिखना था कि क्या क्या डेफिसिट प्रेजेंट होंगे। अ 5-year-old बॉय कम टू यू विद हिज मदर विद अ डिफिकल्टी इन द प्राइमरी ग्रॉस मोटर फंक्शन। ही हैड अ फ्लूइड फिल्ड सिस्ट एट द अपर लंबर स्पाइन एट द टाइम ऑफ द बर्थ। अब फिर आपने बताना था कि पेशेंट जो है ना उसको डिफ़िकल्टी आ रही है डेली लाइफ की प्रॉब्लम में, तो आपने उसके डायग्नोसिस बताना था और जो मसल ग्रुप अफेक्ट होंगे, क्योंकि अपर लंबर इन्वॉल्व उन्होंने बताई है ना, तो जो जो मसल्स इन्वॉल्व होंगे आपने वो बताना था। देखिए इसका डायग्नोसिस तो बहुत सिंपल है, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि फ्लूइड फिल्ड सिस्ट अपर लंबर स्पाइन पर थी, तो इसका मतलब है स्पाइना बायफिड है। और उसके बाद उन्होंने बताया, पूछा है कि कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे, तो आप देखिए अपर लंबर मतलब L1 L2 L3 किस किस को सप्लाई करते हैं, ये हमारे जो अपर लेग के जो मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करते हैं। तो इसमें कौन कौन से मसल्स आ जाएंगे, क्वाड्रेटस लंबोरम, इंटरस्पाइनलिस और मल्टीफिडस मसल्स वगैरह इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये था आज का हमारा स्पाइना बायफिडा, और इसको मैंने कंपाइल करके बहुत शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की है, क्योंकि एक बहुत वास्ट टॉपिक है, और इसको मैंने UHS के अकॉर्डिंग ही सारा प्रेजेंट किया है और सारा वही कुछ बताया है जो कि हमसे पूछा जाता है, वरना ये बहुत डिटेल टॉपिक है। होप सो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।